याद है वो बातें मेरे बचपन की, डैडी कहते थे खोटा सिक्का चलेगा नहीं, मम्मी प्यार से खिलाती दाल चावल और दही, माँ के हाथों का वो जादू फाइव स्टार में नहीं, मर मर के मिली कॉलेज डिग्री, मेरी जॉब एक ट्रेजेडी है जो सैलरी, एक लड़की मिली थी वो भी डंप कर गई, डंप होने को बैठा हूँ कोई मिले तो सही, ओ बंदा सीधा रब दा मैं, डिटो तेरे वर्गा मैं, काम गलत कोई कर दाते फिर ना उसको छटता मैं, किस लड़की को छेड़ कोई तो डिजुम कर चिटिंग और खेले कोई तो डिजुम, मेरे इंडिया को बुरा कहा तो डिजुम, जनगण पे ना खड़ा हुआ तो डिजुम, बाथरूम में किशोर दा के गाने गाता हूँ, कैटी पेरी की मैं फोटो संग लेके नाता हूँ, मेरे आजू बाजू बिकिनी में बेब्स नच दी, बट लाइफ कोई हनी सिंह वीडियो नहीं, दिन को मैं चाहे जितना भी हीरो होता हूँ, रातों को तक की एक जप्पी लेके सोता हूँ, कभी कभी किसी पार्टी में ज्यादा हो गई तो याद करके पुरानी बातें खूब रोता हूँ, बंदा सीधा रब दा मैं, डिटो तेरे वर्गा मैं, एक बारी हाथ फड़ लाता फिर कभी नहीं छटता मैं, राम रहीम लड़ाए कोई तो डिशुम, छोटे बच्चों को डराए कोई तो डिशुम, नशा करके जाए कोई तो डिशुम, मेरे भाई को सताए कोई तो डिशुम, तो डिशुम, तो डिशुम, तो डिशुम। ما بقادر اوصل لا لجنيد ولا كبير يا رهيبا سعيد tell me what you see سعيد did you find it विराज यहां नहीं है सिर्फ उसका जैकेट है आई थिंक वी लॉस्ट हिम सिक्स का एवरेज 155 का स्ट्राइक रेट अगर इंडिया को कोई मैच जिता सकता है तो है ये खिलाड़ी सो देयर इट इज देन मिस्टर इम्पॉसिबल विराज शर्मा फाइनली ऑन स्ट्राइक हैज इट गॉट द डिस्टेंस यस इट हैज सिक्स फॉर विराज India. Can't help but get reminded of Sachin Tendulkar in 1998 Coca-Cola Cup at this very venue. Now five runs required off just two balls. This is going to be another one of those Viraj Sharma specials. There's a fielder in the deep. Viraj needs to keep strike to himself. Feels challenging the fielder, challenging the arm. It's going to be tight. It is tight. Umpire goes upstairs. Third umpire it is now. And... विराज शर्मा उठ नहीं रहे हैं आई थिंक वी हैव अ प्रॉब्लम हियर एंड इट लुक्स वेरी मच लाइक ही इज इन अ लॉट ऑफ पेन आई थिंक डाइव मारने की वजह से उनका शोल्डर जैम हो गया है लुक एट दैट राइट आर्म देयर इज अ प्रॉब्लम देयर ही इज स्ट्रगलिंग सो विराज इज वॉकिंग ऑफ द फील्ड दिस इज बैड न्यूज फॉर इंडिया ये इंडिया की आखिरी विकेट है अगर विराज वापस नहीं आता तो श्रीलंका विल मूव इनटू द फाइनल्स एंड प्ले पाकिस्तान इट्स फीलिंग रियल बैड डॉग क्या हुआ मेरा शोल्डर
लगता है डिसलोकेट हो गया। उन्हें बता देते हैं कि तुम खेल नहीं पाओगे। Give me a minute, sir. ये मेरे साथ पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी हुआ था। I think I can fix this. Don't be stupid, Viraj. ये तेरे करियर का सवाल है। So here it is, the final ball that decides everything. That's a switch hit. Oh yes, what a shot, what a player, what a match. हारते मैचेस को जीतने की अब आदत हो गई है विराज को। I guess that's why they call him Mr. Impossible. So there it is. Exactly 48 घंटे बाद फाइनल में इंडिया पाकिस्तान के साथ टकराएगा। Come on! That's it from us. We'll see you at the Sheikh Hamza Stadium. Good night. विराज रूम में नहीं है। ब्रेकफास्ट पे होगा। नहीं है सर, उसका बेड सेट है, जिस कमरे में लौटा ही ना। डिड यू ट्राई कॉलिंग हिम? उसका फोन भी अनरीचेबल है सर। कब से मिसिंग है? कल रात से बात नहीं हुई है। टेल मी समथिंग, क्या वो अक्सर कर्फ्यू रूल्स ब्रेक करता है? इनफैक्ट कभी नहीं करता है। इज वन ऑफ आवर मोस्ट डिसिप्लिन्ड बॉयज, इसलिए मुझे और भी ज्यादा फिक्र हो रही है। प्लस उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। That's strange. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। विराज की फैमिली से कुछ बात हुई? उसके फादर ने कहा है कल गेम के बाद बात हुई थी। 36 घंटे में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए। इस न्यूज से दंगे हो सकते हैं। So ma'am, what's the next step? विराज शर्मा हो या 12th man, सारे मेंबर्स की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। पूरी टीम को अगली फ्लाइट से वापस बुला लो, फाइनल कैंसिल करना पड़ेगा। उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से मेरी बात करवाइए। यस मैम। ये वीडियो हिंदुस्तान और गल्फ की हुकूमतों के लिए है। आप लोग तो मुझे जानते नहीं, तो मुझे बस एक फैन समझ लीजिए और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के मुल्क से नहीं हूँ। खैर, अब ध्यान से सुनिए। देखिए, ना मुझे पैसे चाहिए और ना कोई रैंसम। ये बस अपनी क्रिकेट टीम की मोहब्बत में कर रहा हूँ। एक छोटी सी गुजारिश है, ये फाइनल इस विराज शर्मा के बगैर खेला जाएगा। बाद में इसे घर छोड़ दूंगा। खुदा ना खासा अगर मुझे पता चलता है कि भाईजान फाइनल तो कैंसिल हो रहा है। अच्छा। अगर फाइनल कैंसिल हुआ तो मार दूंगा इसे। बस 36 घंटों की बात है, रहने दीजिए इसे यहां। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। India's Minister of External Affairs is on line one.
I'm guessing आपने वो वीडियो देख लिया होगा। हम सालों से क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं और हमारे देश में ऐसा कोई इंसिडेंट कभी नहीं हुआ है। We are dealing with a fanatical fan here. ये आदमी पागल है, कुछ भी कर सकता है। We need to act fast. Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. हमारे काम करने के तरीके बहुत अलग हैं। Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। He'll be there, Balanch. मैंने तो बस इतना कहा था कि लिफ्ट में सिगरेट मत पियो। मैंने भी तो कहा था सीढ़ियां ले ले। कस्टम्स ऑफिसर विशाल सिन्हा कैसा है? ठीक हो यार, बस तेरी याद आ गई तो फोन लगा दिया। ऑफ कोर्स याद आएगी, एक जमाने में मेरे साथ एनकाउंटर्स करता था, अब सफेद टोपी पहन के एक्सेस बैगेज चेक कर रहा है। अभी फ्री है क्या? लंच करें? कांट, अलिश्का को मिलने आया हूं। चलो गुड, एटलीस्ट उसके लिए टाइम तो निकला तेरे पास। टेक केयर मैन। सॉरी वीर, बाथरूम में थी। फ्लाइट कितने बजे है? 3:30। आई हेट अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स। कहाँ जा रही हो? ब्रसेल्स। प्लीज डोंट स्मोक हियर कबीर। यहाँ भी धूम्रपान अलाउड नहीं है। Stop being an aerosis everywhere, Alishka. मत पियो, it's killing you. Bullets नहीं मार पाई, ये सिगरेट क्या चीज़ है? All I'm saying is कि अलग-अलग तरीके से मरने की कोशिश मत करो। इसीलिए तो तुम्हारे पास आता हूँ। मौत के बीच थोड़ा-थोड़ा जीने। कहाँ है? क्या? जो इस घर में है वो कहाँ है? What are you talking about? तुम कभी भूल जाती हो कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। और तुम कभी कभी भूल जाते हो कि एक घर है, तुम्हारा क्राइम सीन नहीं है। बाथरूम के मिरर पे स्टीम है, मतलब किसी ने अभी शावर लिया है, लेकिन तुम्हारे बाल सूखे हैं और टॉयलेट सीट ऊपर है। वार्डरोब में ना वो कौन? कबीर कौन है वो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम वार्डरोब खोलती हो या जो अंदर है वो खोल के बाहर आएगा? मैं तीन तक गिन रहा हूं, अगर तू बाहर नहीं निकला तो मैं अलिश्का को गोली मार दूंगा। कबीर पुट द गन डाउन। एक। तुम पागल हो गए हो, यू हैव लॉस्ट इट कबीर। दो। बात तो सुनो, यू आर फ्रीकिंग मी आउट। तीन। कस्टम्स ऑफिसर विशाल सिन्हा कैसा है? I'm sorry, man. 3 साल एक साथ काम किया, गोली खाई थी मैंने तेरे लिए। कबीर प्लीज लिसन टू मी, ये सब गलती से हुआ है। गलती से क्या हुआ? तू फिसल गया, तेरी पैंट उतर गई, और क्या क्या हुआ गलती से? We can talk about this, कबीर। इसमें विशाल की कोई गलती नहीं है। ये अकेली है जिसने मुझे आज तक धोखा नहीं दिया है। Don't worry, no metal on me. He's with us. Kabir Shegal, Special Task Force. Saeed Naqvi, इस केस पे आप मेरे साथ काम करेंगे। आपका बैग? Deodorant लाया। You must be hungry. I'm good. पुलिस व्हीकल में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। इंडियन टीम के होटल में लेना। Sorry, but पहले आपको हेडक्वार्टर्स चलना पड़ेगा ब्रीफिंग के लिए। पहले होटल जाएंगे फिर हेडक्वार्टर्स। सॉरी बट यही प्रोटोकॉल है। आई कट। मैं यहाँ विराज शर्मा को ढूंढने आया हूँ, मेरे पास तेरे चोचलों का वक्त नहीं है। बोल इसको कहाँ जाना है। वाइसरॉय होटल। दिस गाइस ट्रबल।
मुझे बस एक फैन समझ लीजिए, ना मुझे पैसे चाहिए और ना कोई राजी, ये बस अपनी क्रिकेट टीम की मोहब्बत में कर रहा हूं। अगर फाइनल के आंसर तो मार दूंगा इसे, बस 36 घंटों की बात है, रहने दीजिए इसे यहां। अगले 36 घंटों में तुम्हें विराज को बचाना है और जो इसका जिम्मेदार है उसे सिखाना है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी एक हिंदुस्तानी को हाथ नहीं लगा सकता। कबीर, आपको मेरे ऑफिसर के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। किडनैपर के बारे में कुछ पता चला? पाकिस्तानी कौंसलेट और इमिग्रेशन से बात की, यह आदमी उनके रिकॉर्ड्स में है ही नहीं। हमें सिर्फ इतना पता है कि यह वीडियो यहां तो किसी पुराने स्कूल या किसी हॉस्पिटल के जैनिटर रूम में शूट किया गया। एनीथिंग एल्स? अभी अभी होटल का सीसीटीवी फुटेज आया है, यह गाड़ी इसी लड़की के है, समय और दलाल यहां की लोकल है। मतलब विराज शायद अभी भी इसी शहर में है। इस लड़की को इंटरोगेट करना पड़ेगा। I'll handle that. But एक प्रॉब्लम है। क्या? सईद। I don't understand. मुझे गाइड चाहिए, पार्टनर नहीं। क्या है? बच्चों को स्कूल से पिकअप कर दिया और मैडम को योगा सेंटर छोड़ दिया। ब्रोकली आउट ऑफ स्टॉक था तो कॉलीफ्लावर लेके आओ। आपका व्हाइट और मैडम का पिंक बेबी पाउडर मैंने गाड़ी में रखा है, लेकिन आपका एज कार्ड नहीं मिला। जाओ। यस प्लीज। ए टॉकिंग टू मी? इंडियन है? कमाता हूं धर्म में लेकिन खर्चता हूं रुपए में, खाता हूं इनकी लेकिन सुनता हूं सर मोदी जी की। अरबिक बोलता है? पैदा हुआ था भेंडी बाजार के अगल में, लेकिन जवानी आई है बुर्ज खलीफा के बगल में। इतनी अरबी तो बोल लेता हूँ कि इनका घर चला सकूं। शहर से वाकिफ है? जुनेद अभी अकादमी से निकला है, पिछले 2 महीने से एक मिसिंग कुत्ता नहीं ढूंढ पाया है। उस कुत्ते की वजह से ना मैं शहर के हर गली कोने और कब्जे से वाकिफ हूँ। बाहर जाके गाड़ी स्टार्ट कर, मैं आता हूँ। ड्राइवर नहीं हूँ मैं, प्यार से बोलना। सईद भाई आप मुझे एड्रेस मैसेज कर देना, मैं इन्हें पहुंचा दूंगा। What the hell are you doing? Junaid is just Saroki. उससे कोई फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है। Perfect. और इस केस के दौरान मैं जो लॉस तोड़ने वाला हूं उसके लिए एडवांस में माफी चाहता हूं। सर हाउ कुड यू अलाउ दैट? यही दौर दरी في الإدارة. خذ أكثر واحد مضيع في الإدارة. पहली बार किसी ने मेरे लोकेशन सर्विसेज और मल्टीलिंगुअल टैलेंट की कदर की है। हाय जुनैद, अगर फ्यूचर में जिगरी हो गए देन यू कैन कॉल मी जे। कबीर सो के क्या करते हो? स्पेशल टास्क फोर्स इंडिया। हार्ड है यहाँ क्यों? शॉपिंग फेस्टिवल? जरा फास्ट चला। अरे मैं पुलिस वाला होके भगाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? साइड पे रोक, मैं चलाता हूँ। आप समझे नहीं, अगर आप भगाओगे मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि म्यूजिक ब्लास्ट करने पे कोई पाबंदी नहीं है। यार बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ना मुझे कोई रोके ना किसी ने रोका। सो सारी रात दारू सुबह नींबू पानी, पार्टी करने वालों की यही कहानी, पेट भर के जितने भी पी लो, किसी भी बंदी को भी हेलो हेलो बेबी हाउ डू डू। एक मिनट क्यों खड़ जा तू, पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आता, मेरे साथ कभी कोई क्लब नहीं जाता। हनी सिंह को ठोक दिया तूने? क्यों? मुझे ये गाना पसंद नहीं है। अरे तो बोल देते यार, म्यूजिक सिस्टम तोड़ने की क्या जरूरत थी? चुपचाप गाड़ी चला वरना बहुत कुछ तोड़ना पड़ेगा यहाँ। लेट्स क्लियर दिस नाउ, कौन से गाने सुनकर आपका टाइसन भारत है? सब कुछ सिवाय मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के। मेरे जजमेंट में मिका और हनी एवरग्रीन है, डोंट जज मी, आई लाइक देम।
कबीर शेरगिल पुलिस डिपार्टमेंट, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। किस बारे में? जुनैद अंसारी, सेम मिशन। ओके, कैन आई गेट यू बॉय समथिंग अ ड्रिंक? एक्चुअली ड्यूटी पे अलाउड नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था। वेरी गुड। कल रात को विराज शर्मा आपकी गाड़ी में गया था और जब वो अपने कमरे में वापस लौटा तो उसका फोन और वॉलेट दोनों मिसिंग थे। तो हम जानना चाहते हैं कि कल रात को हुआ क्या था। तो मैं होटल से निकल रही थी जब मैंने विराज को देखा। विराज, हाय। Actually, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है एंड शी इज अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। कैन आई गेट अ पिक्चर विद यू जस्ट फॉर हर? वाओ, दैट्स हॉट। थैंक्स। मैं उस कार की बात कर रहा हूँ। मे बी मेरी है। यू वांट अ राइड? Don't mean to disrespect, but इससे खूबसूरत चीज मैंने आज तक नहीं छुई। Guess who I'm with? Viraj Sharma. Nothing, just going for a spin. हाँ, 10 मिनट में आती हूँ। उसकी बर्थडे पार्टी पे चलोगे? No, I can't. Midnight से पहले होटल पहुँचना है। Oh, please, 5 मिनट. वो पागल हो जाएगी। Come on, do it for a fan. विराज, आज इस यूज़ लू फिर निकलते हैं। कूल, मैं गाड़ी के पास वेट करता हूँ। ओके। बस जब मैं बाहर आई तो वो नहीं था। How did he get to the hotel? He took a cab. ये suspects है। इनमें से कोई भी था उस पार्टी में? मैंने तो नहीं देखा है। सॉरी, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, लेकिन मेरे पास भी एक फोटो है। कहीं देखा है इसे? आई हैवन, पर ब्रूटस ने देखा है शायद। क्या फायदा, बता थोड़ी पाएगा बेचारा। ओके ऑफिसर्स, आई होप आई वाज ऑफ सम हेल्प। अब मेरे और ब्रूटस का शावर का टाइम हो गया है। क्या लाइफ है ब्रूटस की। कैप्टन सही था, तू सिर्फ सब्जी मंडी जाने के लायक है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से हमें पहले विक्टिम से बात करनी चाहिए, लेकिन हम पहले सस्पेक्ट के पास गए। कई विक्टिम खुद तो मिसिंग नहीं है। तू जितना बेवकूफ लगता है उतना है नहीं। और आप जितने सड़ू लगते उतने बन नहीं पाए। लेकिन वो मोबाइल में फोटोज का क्या सीन है? अगर गाड़ी मुझे चलाने देगा तो तुझे सारे सीन समझा दूंगा। राज शर्मा किडनैप मतलब अगवा। मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं देखता, लेकिन सुना है नहीं मिस इंडिया से डेट करी है, मतलब फॉर्म में होगा। और कल फाइनल है, मतलब पाकिस्तान की तो निकल पड़ी। कोई चांस नहीं है ऐसे टैक्सी मिली होगी विराज को। एथलीट्स नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उसे एक आदमी अकेले किडनैप नहीं कर सकता। एक आदमी है जिसे दुनिया के सारे झोल होने से पहले ही पता चल जाता है। काम का है? ओसामा का अबोटाबाद वाला एड्रेस कौन लेके आया? वो भी दूध वाले से। इंडिया का 2G स्कैम अपने लैंडलाइन से किसने एक्सपोज किया? किसने? खबरी चाचा। अगर अमेरिका वालों ने सितंबर 10th को इसका फोन उठाया होता ना, तो सितंबर 11th होता ही नहीं। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम मेरे राजा। कैसे हो चाचा? मेरा नाम पंटर है, मतलब पाटर। कबीर शेरगिल, स्पेशल टास्क फोर्स। तुझे कैसे पता? अंजुम, धोखा वाला रे। कहो दिएगा ना? इंडियन क्रिकेटर विराज शर्मा का फोन और वॉलेट खो गए और उसमें उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे।
इंडियन हुकूमत ने एक स्पेशल टास्क फोर्स वाले को भेजा एक पटवा ढूंढने के लिए। अरे कावा, इधर बेटा। विराज के बारे में कुछ पता है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पटुए के साथ साथ विराज भी गायब हो गया हो? कभी। सुन चाचा, मैंने बहुत चाचियों को बेवा किया है, जुने समझा इसको? नहीं समझा सकता। ये अरबियों का डोंगरी है बेटा, यहां शांत पत्ती सिर्फ शानों पे चसती है, पुलिस वालों पे नहीं। विराज को ढूंढने की गर्मी में कहीं तो खुद ही ना खो जाए, संभाल के। इनका मालूम मुंडो खनात सदीकत हो हुआ सारा मजनून आए मकान यूरो युक्रेज बंदूक किए थो चसे संभाली आला हालत हिल मरती या वो क्या रहा है इधर? मैं माफी चाहता हूं बेटा, ये लेडीज लोगों का ना यही लोचा, भरोसा करो मतलब गद्दारी करेगी। क्या चाचा माफी मांग रहे? उन्हें बुरा लग रहा है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अफेयर चल रहा है? एक बात मैं समझा नहीं, खबरी ये है कि तू कबीर मिल गया खिलाड़ी। चीयर्स। कौन है ये? समीर गाजी, इस शहर का सबसे बड़ा पार्टी एनिमल। यहां की लड़कियां बहुत पसंद करती हैं इसे, लेकिन इसे लड़कियां बिल्कुल पसंद। Wanna see you on the dance floor, shaking that butt, y'all wanting some more. Turn on the radio. Tenu main love karda, bematlab karda. Baahon mein aa soniye, bas aaj raat ke liye. Subah hone. कबीर ये वसईपुर नहीं है कि कहीं भी गोली चला दो। और इस गाने से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? पूल पार्टी में किशोर और रफी साहब के गाने तो नहीं बजा सकते ना लोग? खामखा इन लॉन्डो को डरा दिया। क्यों किया बैंग बैंग? हाँ, हमें हिंसा से सख्त नफरत है। पुलिस पार्टनर चालू कर। तूने अभी क्रिकेटर विराज शर्मा के साथ एक फोटो ट्वीट किया है, तू उसे कहां और कैसे मिला? क्यों जेलस? हिज फोन एंड वॉलेट आर मिसिंग और तू सस्पेक्ट है, चल बाहर निकल। जो कुछ पूछना है पूल के अंदर आके पूछो। I don't have time for this shit. इतनी धमाकेदार एंट्री और सूखे सूखे चले जाओगे ऑफिसर? अंदर आओ, थोड़ा गीले तो हो जाओ। I think he knows something. मार दे धमकी। आहा, कपड़े उतार के, मेरा पूल गंदा हो जाएगा। You too, little boy. I'm not a little boy. You are my little boy. Come on, both of you. Sorry, मैंने तुम्हारे messages पढ़े। Sorry, लेकिन जल्दी मैं तेरा मुंह तोड़ने वाला हूँ। Shots. I want to see in your shots. मैंनु तू hot लग दी, लखां दा नोट लग दी। मौका मिला है अभी, होगा ना फिर ये कभी। क्यूट। अरे तूने कितने में ली? लेनी छोड़, अब शायद देनी पड़ेगी। सो शुरुआत से शुरू करते हैं। विराज अजय सीतुलु फिर निकलते हैं। कूल, मैं गाड़ी के पास वेट करता हूँ। Sorry, man. Hey, Viraj. Big fan. Thanks. Especially your new lip balm commercial. Can I have a selfie? Sure.
फिर क्या हुआ? अफसोस इतना ही हुआ, वो बल्लेबाज बहुत जल्दी में था। तो यहाँ पानी में क्यों बुलाया? तूने मेरा स्पीकर तोड़ा, मैंने तेरी मर्दानगी तोड़ी। एक मिनट, और मुझे यहाँ पूल में क्यों बुलाया? क्योंकि तू बड़ा क्यूट है। ए, सुनना, करने देना। मेरा बज रहा है। The father must be a baker because they have perfect buns. क्रिकेटर का फोन ट्रैक हो गया है, कबीर को लेकर जल्दी पहुंच। डेरा सिटी 10 स्ट्रीट। विराज का फोन ट्रैक हो गया है, लेकिन डेरा सिटी बहुत दूर है, ट्रैफिक मार डालेगा। मैं पहुंचा दूंगा। सैम के यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। I'll ride you, big boy. सॉरी मैम, आर यू ओके? मैम, शिट। वेल डन जुनैद। गौरव, मार तो नहीं डाला इसे, इंटरोगेट करना था अभी। लाश में अभी भी जान है। तुझे कैसे मिली है? सर आप कभी कभी भूल जाते हैं कि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूं। वो भागते हुए आई और मैंने दिया एक बैम इन द फेस, नॉक्ड हर आउट। गुड जॉब बडी। थैंक्स उस्मान। नाइसली डन। शुक्रान। तुम लोग इसे लेके हेडक्वार्टर्स पहुंचो, मैं इसका अपार्टमेंट चेक करता हूँ। जुनैद बोल के। तो क्या हुआ वहां? अरे कुछ नहीं, वो लंबे लंबे स्टेप्स लेके भाग रही थी, मतलब किसी से बच रही थी, और उसके चेहरे पे डर था, मतलब सस्पेक्ट थी। बस 1+1=2 किया, बाहर निकल के मुंह पे थी। अब सच बता क्या हुआ? वो मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो टकरा के गिर गई। गलती से काम आ गया तू। के भाई प्लीज किसी को बताना मत। पहली बार मुझसे इंप्रेस हुए ये लोग, अगर पता चलेगा तो मेरा मजाक बन जाएगा। आपका रुकी ग्रेजुएट हो रहा है। Not bad, Junaid. Thank you. कोई ऐसी चीज भी है जो तुम नहीं चुराती हो? दिल बहुत भारी होते हैं। कब से करती हो ये सब? पता नहीं, शौक है, जरूरत नहीं। पाकीज़ा और पार्वती ISI और रॉ दोनों के लिए काम करती हो क्या? सिर्फ खुद के लिए। अच्छा तुम्हारा असली नाम क्या है? इशिका। इशिका, फोन्स बहुत पसंद है तुम्हें। लास्ट फोन किसका चुराया था?
want a lawyer. बैठ, वरना जिंदगी भर उठ नहीं पाएगी. You're not allowed to touch me. पुलिस कस्टडी में सब इक्वल होते हैं. अपना महिला मुक्ति आंदोलन कहीं और करना. क्यों लाए हो मुझे यहाँ? तू भाग रही थी, तू बता. Guys, I'm a little lost here. इलीगल इमिग्रेंट अक्सर लॉस्ट ही होते हैं. पता है ये किसका है? ये? तो इस फोन की वजह से यहाँ फंसी हूँ मैं? कहाँ से चुराया ये फोन? कल रात एक सुपरमार्केट से. किससे चुराया? वो मेरे साथ लाइन में खड़ा था और अब तक अनलॉक भी नहीं किया मैंने इस फोन को. कैसा दिखता? रफी तुम्हारी हाइट का था, स्किन टोन भी काले और गोरे के बीच काफी तुम्हारी तरह था, बस तुम जितना रूड नहीं था. ये मेरा पोलाइट है. यही था आदमी? नहीं. ध्यान से देख. नहीं, ये नहीं था. ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? जिनसे चुराती हूँ उनकी शक्ल कभी नहीं भूलती. सर हम पुलिस हैं, लेकिन ये लड़की चोर है. ये क्या कह रहे हैं पुत्र? झूठ कह रहे हैं अंकल. रियली? हम आपका सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते हैं. वो तो काफी दिनों से बंद पड़ा है, लेकिन हाँ मेरे कैश काउंटर के पीछे एक कैमरा लगा है. ब्लडी क्रिमिनल. देखा अंकल, शायद इसलिए आपकी दुकान लॉस में चल रही है. ये आदमी कौन है? पता नहीं सर जी, अंदर सिगरेट पी रहा था, मैंने बाहर जाने को कहा, लेकिन इसकी शक्ल ठीक से देख नहीं पाया. अनबिलीवेबल, उसकी एंट्री से एग्जिट तक तुमने उसकी शक्ल कवर की हुई थी. जानबूझ के नहीं किया. चुपचाप अंदर बैठ. कभी मिल गया. I can't believe this. कहाँ है? अरे ये रहा ब्रैडमैन. कबीर कहाँ नहीं ढूंढा मैंने इसे. हर मजार हर मंदिर की मिन्नतें ली थी मैंने इसके लिए. ऐसी ऐसी बदनाम गलियों में घूमा उसका फोटो लेके कि खुद की बेइज्जती हो जाती थी. और ये बाजारू बुलडॉग अपने महल को छोड़कर इस गटर में अपना मुंह काला करा रहे. हम एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन तेरी औकात तेरे काम के बीच बार बार आ जाती है. मेरी खुशी तू समझ नहीं पाएगा के आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे न्यूटन को ग्रेविटी, मोगली को कपड़े और पीके को अपने स्पेसशिप का रिमोट हुआ मिल गया यार. आई लव यू ब्रैडमैन. आई सॉल्व माय फर्स्ट केस कबीर. आई सॉल्व इट. हेलो जुनैद अंसारी. हाँ जी बोलिए. जुनैद मैं कुरैशी बोल रहा हूँ. आपने फोटो डाली थी ना मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे. आपने भी फोटोज दी? वो आप ही हो ना सूट में? हाँ अंकल जी, वो सूट में तो मैं ही हूँ. आपका प्रोफाइल देखा, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए. एक्सक्यूज मी? बिल्कुल भी पसंद नहीं आए. कोई बात नहीं सर, वैसे मेरा प्रोफाइल देखने के लिए थैंक यू. ब्रैडमैन आजकल गुड लुकिंग लॉन्डो की कोई इज्जत ही नहीं है. स्टूपिड पीपल. मेरा घर आ गया ब्रैडमैन. हेलो. मुस्कान की अम्मी ने भी आपकी फोटो देखी. अम्मी को तो मैं अक्सर पसंद आता हूँ. उसे भी आप बिल्कुल पसंद नहीं आए. कहने लगी सुबह सुबह क्या दिखा दिया, मूड बिगाड़ दिया. छोड़ो ना अंकल जी, नहीं पसंद आया तो मेरी क्या गलती है? बताना फर्ज होता है ना, बुरा मत मानना बेटा. ब्रैडमैन पता है थोड़ी देर बाद लोग पसंद आने लगते हैं. हमने आपका फोटो एक घंटे देखा और आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए. किसी को भी पसंद नहीं आए. बे भोपू बगैर मतलब बजना बनकर. तहजीब के चक्कर में मैं तुझे गाली नहीं दे रहा और तू मुझ पे चढ़े जा रहे. पुलिस वाला हूं मैं, तेरे घर में घुस के तुझे मारूंगा. चल फोन रख. अब तू कहीं भी भाग ले, मेरी नजर से बाहर नहीं निकल पाएगा तू. और हर 3 महीने मैं आके तेरी बैटरी बदलूंगा. ये लो ब्रैडमैन जी, आपका GPS भी लग गया.
उसके बाल छोटे थे इस कबीर की तरह। उसके नाक पे गुस्सा था वो भी इस कबीर की तरह। अगर एक और बार मेरा नाम लिया तो कार्गो में बिठा के सीधा इंडिया डिपोर्ट करवाऊंगा तुझे। डिपोर्ट करने से पहले ना बस मेरा दिल लौटा देना। ये स्केच का क्या करें? सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। Where was I? What about the eyes? इसकी आंखों में दर्द था या शरारत? Just can't tell. But they were deep. मत शर्म आती है मुझे। हसमत घिन आती है मुझे। मुझे नींद आ रही है स्केच खत्म कर लें। मुझे भूख लगी है। Can't think on empty stomach. कुछ खिला दो ना प्लीज। थप्पड़ खाएगी? अच्छे मिलते हैं यहाँ। तुम्हारी नफरत ना बहुत सेक्सी है। ये स्केच कभी नहीं बन पाएगा। बहुत चालू चीज है ये लड़की, सबको घुमा रही है। ऐसा कोई नहीं दिखता। अगर फाइनल कैंसिल हुआ तो मार दूंगा इसे। बस 36 घंटों की बात है, रहने दीजिए इसे यहाँ। इसे वापस क्यों देख रहे हैं हम? अब हम इस आदमी की आवाज के बगैर क्लीन ऑडियो सुनेंगे। क्या सुनाई दे रहा है? हल्की बारिश या बारिश नहीं होती, मस्ट बी अ लीकेज। चेक करो अगर पिछले 24 घंटे में यहां आसपास कहीं बारिश हुई है। अगर लगान के गांव वालों के पास ये वेदर ऐप होता ना तो उन्हें रोज आसमान में देखे गाने नहीं गाने पड़ते। अगर उनके पास आईपैड जितने पैसे होते तो लगान भर देते और क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता। क्रिकेट से याद आया, आप केस से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, प्लीज फोकस। तो जबल में हुई थी बारिश, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारी बेस्ट लीड है सर। रेन हेड एरियाज के स्कूल्स और बिल्डिंग्स की लिस्ट निकालो सर। हसन, यू हेड टू द इस्लामिक एजुकेशन स्कूल। यस सर। आई विल गो टू द मेडिकल डिस्ट्रिक्ट। और तुम दोनों सईद के साथ अलजबल पार्क जाओगे सर। قادر اوصل لا لجنيد ولا كبير. يا رايبا سعيد، did you find him? विराज यहां नहीं है लेकिन उसका किडनैपर इसी पार्क में है। राशिद,
ये कैमरा अल जबल पार्क के बाहर कचरे में मिला है, चेक करो इसमें क्या है। विराज कहाँ है? क्या किया तूने विराज को? कबीर यू हैव टू सी दिस, ये वीडियो गल्फ और हिंदुस्तान नहीं, ये वीडियो हिंदुस्तान, ये वीडियो हिंदुस्तान और गल्फ की गवर्नमेंट्स के लिए नहीं, हुकूमतों के लिए, ये वीडियो हिंदुस्तान और गल्फ की हुकूमतों के लिए है। आप लोग तो मुझे नहीं जानते, तो मुझे शाहिद आफरीदी का फैन समझ लीजिए। हट, शाहिद आफरीदी, इमरान खान, जावेद मियांदाद, पाकिस्तान का फैन, आप लोग मुझे बस फैन समझ लीजिए। ये वीडियो हिंदुस्तान और गल्फ की हुकूमतों के लिए है। आप लोग तो मुझे नहीं जानते, तो मुझे बस एक फैन समझ लीजिए। लाइन भूल गया यार, सॉरी सर, लास्ट इट। ऑडिशन में चार लाइन तो बोल नहीं पा रहा, क्या एक्टर बनेगा तू? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, वो क्या है ना कि मैंने स्टेज पर बहुत बड़े बड़े रोल किए हैं, ये कैमरा के आगे थोड़ा सा डर जाता हूँ सर, सॉरी। अगर ये रोल चाहिए तो पूरी जान लगानी पड़ेगी, लोगों को डर लगना चाहिए तेरे कैरेक्टर से। यही तो सर, क्योंकि आज तक सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए हैं, इसीलिए ना सर वो सुर पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। समझ गया सर, अब देखो, रेडी सर। पाकिस्तान, स्ट्रगलिंग एक्टर है, ऑडिशन देने गया था बेचारा, हमें गुमराह करने के लिए वो वीडियो बनाया गया कि जब तक हम इसे पकड़े वो लोग कहीं दूर निकल गए। बारह घंटे पहले कम से कम एक शक्ल थी हमारे पास, अब इस नकाब का पीछा करना पड़ेगा। ये वो गलीच, इसी ने मेरा ऑडिशन लिया था और फिर मुझे मार के उसी कमरे में बंद कर दिया। बहुत चालू चीज है ये लड़की, सबको घुमा रही है, ऐसा कोई नहीं दिखता। Can you please smoke outside? Good mother. Iski maa ki? Hey, what's your language? Us aadmi ne tujhe pashto mein gaali di. Not me. Khud mudar. To yahan ke pashtun dominated areas kaun se hain? Baat kam hai. Pashtuns aksar border cross karke yahan kaam karne ke liye aate hain. Par ek baat samajh mein nahi aa rahi hai ki ek pashtun aadmi Pakistani bankar ek Hindustani ko kyun uthega? Kyon ka nahi pata lekin kab hua? Ye ab dheere dheere samajh mein aa raha hai. बर्थडे पार्टी पे चलोगी? वी हैव टू किल इट इन द फाइनल्स दिस टाइम, बस वो अपना हुक शॉट संभाल के खेल। श्योर, आई एम गुड। विराज, अजय, सीतुलु, फिर निकलते हैं। कूल, मैं गाड़ी के पास वेट करता हूँ। हे विराज, बिग फैन, कैन आई हैव अ सेल्फी? श्योर। उठा ले शर्मा,
कब तक टालता रहेगा? उठा ले। विराज, 10 सेकंड में एक गाड़ी रुकेगी, उसमें चुपचाप बैठ जाना, बस कुछ बातें करनी है तुमसे। कौन बोल रहा है? फोन। पेन। This is gonna be another one of those Viraj Sharma specials. Oh yes, what a shot! What a put! जब भी तुझे खेलते हुए देखता हूँ, तो दिल भर आता है, लेकिन साली जेब खाली हो जाती है। ना तूने मेरे फोन उठाए, ना मैसेजेस के जवाब दिए। मतलब हर मॉडर्न लव स्टोरी की तरह हमारे बीच भी एक तरफा प्यार था। कौन है तू? जैसे अफरीदी को प्यार से लाला बुलाते हैं, ड्राविड को जैमी और गांगुली को दादा, अपनी लाइन में भी पेट नेम से चलते हैं। वागा नाम है मेरा, क्योंकि ना हूं मैं हिंदुस्तान का ना पाकिस्तान का, बस जो प्लेयर गेम बदल पाए, पड़ जाता हूं पीछे उसके जान का। मुझसे क्या चाहिए? तेरा फॉर्म विराज, तेरा फॉर्म। पहले मैच में पाकिस्तान के सामने 86, उसके बाद बांग्लादेश के सामने 124, और अब सेमीफाइनल में 94 नॉट आउट। विराट, जब भी तू बॉलर्स की पैंट उतारता है, नंगा होता हूं मैं, और जब भी तू हारती गेम जिताता है, धोखा होता है मेरे साथ। तेरी वजह से 450 करोड़ डाउन हूं मैं। कुछ लेगा तू? प्रोटीन शेक, एनर्जी बार, सब मंगवाया तेरे लिए, क्योंकि फाइनल में बहुत मेहनत करनी है तुझे। सिर्फ 25 ओवर खेलने हैं, लेकिन जब तक तू क्रीज पे है, रन रेट को 5 के नीचे रखना है और अपनी टीम के 2 टॉप बैट्समैन को रन आउट करवाना है। विराज, तेरी इमेज इतनी क्लीन है कि किसी को भनक भी नहीं होगी। फिलहाल पब्लिक ने तुझे भगवान बना दिया, बस इस एक गेम के लिए इंसान बन जा। अब धंधे की बात करते हैं। तेरी लास्ट सीजन की फी क्या थी? 15 करोड़ राइट? मैं एक गेम में डबल कर रहा हूँ, 1 करोड़ पर ओवर, 25 खेलने के 25 और 26वें ओवर में आउट होने के 5, मतलब 30। सेंचुरी ना मारने के 50 तो लूंगा। यार, जब जब हमने आपसे प्यार करने की कोशिश की, आपने अपना दाम बढ़ा लिया। 25 मैच के पहले और 25 मैच के बाद मैंने तो सिर्फ हाथ दिया, तूने गले लगा लिया। डन। गारंटी क्या है कि तू पूरे पैसे चुकाएगा? बेटा, मेरे धंधे में सिर्फ एक ही चीज की इज्जत होती है, जबान की। एक बार दे दी, पलटूंगा नहीं। साउंड्स गुड, अब तो आंखें खोल दे, तुझे देखना चाहता हूं मैं। बड़ा रोमांटिक हो रहा है तू भाई, पहली मुलाकात में इतनी करीबी अच्छी नहीं होती। एक अरसे के बाद बड़ा प्लेयर हाथ लगा है, और तेरे साथ तो आगे बहुत काम करना है मुझे। सही वक्त पे चेहरा भी दिखा दूंगा। लिफ्ट से जा, बाहर टैक्सी मिल जाएगी। डील लॉक हो चुकी है,
कम से कम होटल तो छोड़ देता। मुझसे जितना कहा जाता है मैं उतना ही करता हूं। टोकन पुलिस? कोई शक? इंडियन? लोकल हूं मैं, इंडियन क्रिकेटर हूं, विराट शर्मा। नहीं नहीं बैट्समैन, मैं यहाँ आई एम अ बिट लॉस्ट। क्या आप मुझे मेरे होटल पहुँचने में मेरी मदद कर सकते हैं? द वाइस रॉय होटल। श्योर, मैं उसी एरिया में जा रहा हूँ। कितनी देर लगेगी? ज्यादा नहीं। आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं, क्या मेरी आवाज आपको परेशान कर रही है? ऑफिसर, मुझे एक बुकी ने गन पॉइंट पे किडनैप करवाया और मेरे साथ मैच फिक्स करने की कोशिश की। क्या आपने उनके चेहरे देखे? इनफैक्ट ये बैग उसी के आदमी ने मुझे पार्किंग लॉट में दिया था। ऑफिसर प्लीज लिसन टू मी, मुझे पास के किसी पुलिस स्टेशन ले जाइए प्लीज। मैं आपको सीधा अपने कैप्टन के घर ले चलता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम, यही तो काम है मेरा। Need to see the captain. Come in. Five minutes. तुमने किसी का नाम सुना वहां? वागा, उस आदमी का नाम वागा है लेकिन शक्ल नहीं देख पाया। और कुछ याद है? सिर्फ उसकी आवाज। एक बात समझ में नहीं आई, उसने तुझे जाने क्यों दिया? कोई डील तो नहीं फिक्स की तुम दोनों ने? आप घबराए हुए लग रहे हो, क्या मेरी आवाज आपको परेशान कर रही है? कहा था ना, सही वक्त पे चेहरा भी दिखा दूंगा। सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, जिसकी भी मिल जाएगी। फिलहाल इसे हटाना पड़ेगा यहां से। साले ने मुझे और इस जगह दोनों को देख लिया। मैं एक जगह जानता हूं जिसके बारे में पुलिस कभी सोचेगी भी नहीं। बॉर्डर सिक्योरिटी से हमें उन सभी गाड़ियों की लिस्ट मिली है जो पिछले 24 आवर्स में उस पार गई हैं। यही वो अल्ताफ नाम है इसका, 3 दिन पहले यहाँ आया था लेकिन कल रात अपने मुल्क अबुद्दीन वापस लौट गया। So let's move. कितने घंटे का रास्ता है? By road तकरीबन। It's not about the distance. अबुद्दीन हमारे लिए पाकिस्तान की तरह है। What's your point? जब तुम्हारे मुल्क से कोई क्रिमिनल उस पार चला जाता है तो do you ever get him back? अगर किडनैपिंग विक्टिम पहले 48 घंटे में नहीं मिला मतलब कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ एक हफ्ता तो वहां जाने के पेपर वर्क में लग जाएगा। अबुद्दीन इज आउट ऑफ आवर जुरिस्डिक्शन। तुम्हारे मेरे नहीं। If you cross that border, तुम हमारे जिम्मेदारी नहीं हो। मैं वैसे भी किसी की जिम्मेदारी नहीं हूं।
जुनेद अंसारी, व्हाट यू थिंक यू आर डूइंग? सर आप तो जानते हैं, 24 घंटे पहले तक मैं एक मिसिंग कुत्ता भी नहीं ढूंढ पाया, बट कबीर के आते ही सब कुछ बदल गया। मैंने पहली बार गाड़ी चलाई, लेकिन सब्जी लाने के लिए नहीं, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। मैं सड़कों पे दौड़ा, लेकिन आपके बच्चों को संभालने के लिए नहीं, सस्पेक्ट्स को रोकने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मैंने आपके डिपार्टमेंट से अपने देश के लिए काम किया। मैं जानता हूं आप लोग को लगता है कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन कबीर को मुझ पर पूरा भरोसा है, जो मैं तोड़ूंगा नहीं। Please leave your keys, badge and gun on the table. तू यहां क्या कर रहा है? छोड़ दिया मैंने, पर तू टेंशन मत ले कबीर, हमें किसी की जरूरत नहीं है। बंदा है, ले ले। और एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है, गाड़ी की चाबी और गन ले ली सालों ने। सिगरेट वापस दे। पहले उनके किसी काम का नहीं था, मेरे किसी काम का नहीं है। क्यों मैं अंदर तेरी इतनी तारीफ करके आया हूँ और तू बाहर मेरी इंसल्ट कर रहा है? तू उसी के लायक है, जा वापस अंदर। देख कबीर, तू मुन्ना भाई होगा लेकिन मैं सर्किट नहीं हूँ, तू बैटमैन होगा लेकिन मैं बर्डमैन नहीं हूँ, तू हीरो होगा लेकिन अब मैं भी हीरो हूँ। विराज को ढूंढ कर वापस लेके आना पड़ेगा, मेरे नए इमेज का सवाल है। और मेरे पुराने? और चॉकलेट पियोगी मीरा? मीरा बहल, डॉटर ऑफ बलराज बहल। तुम्हारी मॉम की डेथ के बाद जब तुम्हारे डैड ने दूसरी शादी की तो तुम इस बात को हैंडल नहीं कर पाई, सब्सटेंस अब्यूज करने लगी, तो डैडी को तुम्हें रिहैब में डालना पड़ा, लेकिन तुम वहां से भाग गई, पहले थाईलैंड, फिर इस्तांबुल और अब यहां। What I don't understand is, यहां क्यों? तुम्हें पता नहीं है ड्रग एडिक्ट्स के लिए हमारे लॉस कितने स्ट्रिक्ट हैं। जब से भागने की लत लगी बाकी सारी छोड़ दी मैंने, I'm clean officer. मुझे ये सब बता के कोई फायदा नहीं है, इंडियन एम्बेसी के लोग तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, टाइम टू गो होम मीरा। Can I use the restroom? What's taking so long? 2 minutes. अब मैं बुद्धि ले जाएगी। यहाँ से निकलेंगे कैसे? हाथ दे। क्या? अरे हाथ दे। पेंशन बदले। ऊपर से टाइसन खींच रहा है। यल्ला अभी भी। So strong. और मैं जो उल्टा लटक के आया हूँ उसका क्या? अब चले अबुदन। सोया हुआ ही ठीक है, ऐसे मैं जिंदगी भर अकेले रहते हैं। टेल मी, पूरी दुनिया का पैकेज लेके क्यों घूमता है ये सड़ू? अरे बहुत हार्ड कहानी है इसकी, लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इज अ फॉल्ट इन स्टार्स। खैर छोड़ो अनारकली, कुछ अच्छी बातें करते ना। लेग्स काफी स्ट्रांग लगते हैं तुम्हारे, पुलिस से भागने के अलावा और क्या करती हो कार्डियो में? नॉट मच रियली। काफी है। क्या हुआ इसके साथ? नाउ आई रियली वांट टू नो। एक टाइम पे कबीर भाई बहुत खुश थे, परफेक्ट लाइफ थी इसकी, लेकिन फिर इसे हुई एक भयानक बीमारी। क्या?
टेस्टिक्यूलर कैंसर, जिसकी वजह से इनकी गर्लफ्रेंड ने इन पे चीट किया। व्हाट? बीमारी तो चली गई लेकिन इसका गुस्सा अभी तक नहीं गया। तब से आदमी एक जानवर बन गया और एक पागल हाथी की तरह अपने राम सब कुछ तबाह कर रहा है। वेलकम हबीबी। यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा सारे वेपन्स बेचता हूँ, क्या चाहिए? ये कौन है? ये अबुद्दीन है। यहाँ हमारे अलावा किसी को गूगल भी नहीं ढूंढ सकता, लेकिन हर आदमी की एक कीमत होती है। यही कहें कहाँ मिलेगा? अबुद्दीन की जमीन में बहुत से राज दफन हैं। आगे जा। सलाम हबीबी। वालेकुम सलाम। ये इसका आपा है लेकिन ये इसके होने वाले बच्चे का पापा है। ये अबुद्दीन के बहुत बच्चों का पापा है। ओ, इतना फेमस है। क्या मिलेगा? यहाँ हर आदमी की एक कीमत होती है। कीमत? आखिर सीधा जवाब दे, कहाँ मिलेगा? सही सही सही। अंडरग्राउंड है। आगे। आओ। तो मुझे अरेस्ट किया क्योंकि मैंने अल्ताफ का फोन चुराया, लेकिन अल्ताफ ने ये फोन किसी और से चुराया था। मतलब हम फोन की ओरिजिनल ओनर को ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा दिमाग मान मान चल रहा है, उसे दौड़ा मत।
जुनैद, मैं इंडिया से कुरैशी बोल रहा हूँ, याद है? हाँ, आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं। वो मेरे बड़े भाई साहब है ना, दुबई वाले, मुस्कान के चचा, उन्हें आपकी फोटो दिखाई, सोचा उनका भी ओपिनियन ले लूं। और क्या है उनका ओपिनियन? उन्हें भी आप बिल्कुल पसंद नहीं आए, बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मैं काम पे हूँ, मुझे बार बार आते हैं। ए, किधर जा रहे? Come on, get back. संभल के, गुड्डू अकेला नहीं है। बच्चे तो गोद में ले ले। अबू, ये सच में अबुद्दीन के बहुत बच्चों का पापा है। तो अबुद्दीन के जमीन में बहुत से राज दफन है, अंडरग्राउंड है। ये मतलब है अंडरग्राउंड का। हमें यहाँ लाने के लिए थैंक यू, और तुझे वहां से निकालने के लिए वेलकम। हैव अ गुड लाइफ। इतनी आसानी से मुझे पीछे नहीं छोड़ पाओगे तुम लोग। क्या हो रहा है यहाँ? ये अबुद्दीन का सबसे रंगीन खेल है, एक खूबसूरत हसीना इन जानवरों के सामने नाचेगी। फिर ये लोग आपस में पंजा लड़ाएगी, और सबसे मजबूत पंजा उस खूबसूरत हसीना को अपने घर ले जाएगा। इंसानों की पुशकशी है। कल सुबह सोचेंगे जो आज रात किया, कल सुबह गिन लेंगे सारी गलतियाँ। तू मेरा अभी हो जाना अजनबी, फिर हम मिलेंगे ना कभी। कल सुबह चले जाएंगे हैं घर जहाँ, कल सुबह बोले जो भी बोलेगा जहाँ। तू मेरा अभी हो जाना अजनबी, फिर हम मिलेंगे ना कभी। क्या है
विराज शर्मा कहाँ है? लेट हो गए तुम लोग। क्रिकेटर मर गया होगा शायद। अपने खिलौने टेबल पर रख दो, हमारे बड़े हैं। वो लड़की जिसने मेरा फोन चुराया, तुम दोनों को यहां ले आई। उसे कुछ नहीं पता, इसलिए उसे मारूंगा नहीं, बस रखूंगा। इस पे 5 राउंड चलाना, और इसके लिए तो गोलियों की आवाज ही काफी है। आदमी अताफ का पीछा कर रहे कभी फास्टर, फास्टर, फास्टर कभी। अभी नहीं, नमाज चल रही है। घुसना पड़ेगा नहीं तो निकल जाएगा ये। नमाज की इज्जत रख ले, खुदा अपनी रख लेगा। अल्लाह अकबर। समी अल्लाह लिमन हमीदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
हेलो। बस कंफर्म करना था, मर गया ना? कौन है तुम? सिर्फ अल्ताफ जानता था विराज कहाँ है, लेकिन अफसोस अब वो तुझे बता नहीं पाएगा। और अगर तुम लोग विराज को जिंदा चाहते हो तो उसे ढूंढना छोड़ दो। पंद्रह लाख इंडिया पे डन सर। 36 डन डन। 50 हाँ सर इंडिया पे ही लगा रहा हूँ। सिचुएशन क्या है? सब इंडिया पे लगा रहे हैं। अगर नीला जीतता है तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हरा जीतता है तो आपका पूरा माइनस प्लस बन जाएगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है। चार घंटे में मैच है विराज, कोई प्रोफेशनलिज्म है या नहीं? आधे घंटे की मुलाकात को दो दिन का वेकेशन बना दिया तूने। पी ले। अरे डिहाइड्रेट हो गया तू। 450 करोड़ डाउन हूं मैं, और इतने पैसे कोई माफ नहीं करता। मुझे और मेरी फैमिली को मरवा देंगे ये लोग, लेकिन अगर तू मेरे लिए खेल लेता है तो तेरी फैमिली भी बच सकती है। सोच, ऑन अ लेजी संडे आफ्टरनून तेरे डैड लिविंग रूम में पेपर पढ़ रहा है, पूरे घर में खाने की हल्की सी खुशबू आ रही है क्योंकि तेरी माँ किचन में दाल को तड़का लगा रही है, और बूम, एलपीजी एक्सप्लोजन। क्या वागा, तेरी इतनी फटी हुई है कि तू खुल के थ्रेड भी नहीं दे पा रहा। खुल के ले ले, मरवा दूंगा उन्हें। मेरे माँ बाप बहुत आम लोग हैं, उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय एक चीज के, कि मैं अपने देश से कभी गद्दारी ना करूं। तेरे जैसे आदमी को हराने के लिए खुशी खुशी जान दे देंगे वो? हाँ, वो मुंबई से कमलेश आया, कह रहा है कि आज पैसे नहीं दे पाएगा। भेज अंदर। कमलेश भाई, मेरे दोस्त से मिलो। पहचाना कि नहीं? घबराओ मत कमलेश भाई, विराज जैसे लोग रोज थोड़ी मिलते हैं। ऑटोग्राफ ले लो। सॉरी वागा भाई, डिले हो गया, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम चाहिए? टाइम चाहिए तो इससे मांग। मैं कुछ समझा नहीं। अगर ये मेरे लिए खेलेगा तो मैं तुझे टाइम दूंगा, समझा इसे। विराज सर, खेलो ना इनके लिए। क्या बोलता है विराज? आ ना विराज सर, प्लीज खेलो ना वागा भाई के लिए। विराज, कमलेश भाई के पास ज्यादा टाइम नहीं है। वागा भाई ऐसा मत करो, मैं आपके सारे पैसे जल्दी चुका दूंगा, जल्दी चुका। हाय ना विराज। विराज भाई खेलो ना भाई, मेरा बेटा चीकू आपका फैन है, मेरी पूरी फैमिली फैन है आपकी। भाई इतना अच्छा तो खेलते आप, खेलो ना भाई। सर सर प्लीज मुझे बचा लो, सर प्लीज बचा लो, मुझे मारने को। प्लीज इसे बचा ले विराज, चले दे इसे। नीचे साफ करवा, मैं आता हूं। Be ready. मॉरिशस जा रहा है छुट्टी के लिए। Excited? पापा मेरा स्पोर्ट्स डे आ रहा है, स्कूल बंक नहीं कर सकता। अरे स्कूल जाके तो ऐसा कुछ भी नहीं सीख लेगा जो जिंदगी ना सिखा पाए, और स्पोर्ट्स तो तू कहीं भी खेल सकता है। कब तक? पहले साउथ अफ्रीका छोड़ा, फिर बेटिंग स्कैंडल के बाद हमें इंडिया से भागना पड़ा, कब तक झूठ बोलते रहेंगे इससे? थक गई हूं मैं। थकना जो है मरने से बेहतर है, निकलना पड़ेगा यहां से। चल ब्रैडमैन, अब तेरे अलावा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। अगर तुम लोगों ने जबरदस्ती अबुद्दीन में घुसकर वहां के हर आदमी से अल्ताफ का पता ना पूछा होता
तो शायद उसका मर्डर ना होता। लेकिन हमारे बगैर पता कैसे चलता कि अल्ताफ के ऊपर कोई है? सईद सिर्फ 4 घंटे बचे गेम को, किसी भी तरह अल्ताफ के मर्डर को ढूंढना है हमें। विराज उसी के पास है। अब कोई जरूरत नहीं है उसकी, तुम्हारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात कर ली हमने, तुम्हें डिपोर्ट कर रहे हैं। सर ये आप नहीं कर सकते, तुम फिलहाल सस्पेंडेड है। स्टे आउट ऑफ दिस। Today, all roads lead to the Sheikh Hamza Stadium where India battles it out with Pakistan in the final match of the tournament. So, this is it. Hey, thanks for everything. Meri wajah se jo bhi pareshani hui ho, uske liye I'm sorry. Apni personality ke liye maafi nahi mangte. Ke bhai, main bhai nahi bol paunga. केस खुला छोड़ के खुदाफिस कौन करते हैं? अब तो ही इस केस को बंद कर सकता है। खुदाफिस जे। तूने मुझे जे कहा? बाकी फोन पे कर लेना, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चले। और तू ऋषिका पे नजर रखना, हुँ? चलो। क्या तुझे भी ऐसे प्यार हो रहा है? हाँ, बड़ भाई वाला प्यार। तुझे? हाँ, लेकिन बहन वाला बिल्कुल नहीं। चोर के दिल की चोरी हो गई और एक यतीम को भाई मिल गया। पुष्पा, अहिर बाय बाय। कबीर शेरगिल, इज बुक्ड ऑन अ फ्लाइट टू न्यू दिल्ली। योर फ्लाइट बोर्ड्स फ्रॉम गेट 17। चलो। अब हमारा क्या होगा? तेरा पता नहीं, लेकिन सस्पेंड होने के बाद मुझे तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। कुत्ते से याद आया, देखते ब्रैडमैन क्या कर रहे हैं। ब्रैडमैन इज लिविंग द गुड लाइफ। Every doggy has his day. आज लगता है तेरा है ब्रैडमैन। अरे धीरे धीरे ब्रैडमैन, स्लो डाउन बड़ी। जुनैद खान, शुक्रान हबीबी। सर, दिस काउंटर इज क्लोज एंड द फ्लाइट इज रेडी फॉर टेक ऑफ। मैन, देयर इज अ हाईजैकिंग थ्रेट ऑन दैट फ्लाइट, लेट मी इन नाउ। आई नीड एवरीवन टू स्टे काम। इस फ्लाइट पर एक ऐसा आदमी है जिसे यहां नहीं होना चाहिए। यू गेट अप, पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर हेड एंड स्टार्ट वॉकिंग। हाथ ऊपर, मूव। ये आदमी इस देश का दुश्मन है, लेकिन जब तक मुझ जैसे ऑफिसर जिंदा है, दिस सिटी विल बी सेफ। शेम ऑन यू। ठंडा रहे। हाँ, और कोई पूछे तो बताना मत कि जुनैद अंसारी ने स्पेन को बचाया था। Yeah! तारीफ से शर्म आती है मुझे। Yeah! I'm looking for one of my officers, Junaid Ansari. He just saved the Boeing 737 and left with a suspect. That man is a hero.
व्हाट द हेल, मेरी गाड़ी कहाँ है? आपने चाबी गलती से छोड़ दी थी। कहाँ? अपनी जेब में। सॉरी। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। हाँ, काम के बीच में प्यार मत मांग बेटा। शिट, देख लिया इसने। साले ने टीम होटल के सामने रखा है विराज को, क्योंकि खोई हुई चीज घर के अंदर कोई नहीं ढूंढता। ब्रैडमैन तू तो बोमकेश निकला। मेरे पास मत आना। कौन हो तुम लोग? अरे पिछले 36 घंटे से भूखे नंगे मर मर के ढूंढ रहे तुझे। मैं जुनैद, ये कबीर। पूरे इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है, 11 मिनट में फटने वाला है ये। और कोई है इस बोर्ड पे? नहीं। उसने C4 एक्सप्लोसिव स्ट्रेट जैकेट में लगाया। इस जैकेट से निकलना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बॉम्ब को डिसआर्म करना पड़ेगा। हेलो, पहुंच गए तुम दोनों? मैं बस अभी निकला वहां से। मेरे कुत्ते के कॉलर पे तेरा नंबर मिला और उसी कॉलर से तुझे विराज का पता चला। ये एक ही ब्राइडमैन है जो दोनों टीम के लिए खेलता है। क्या चाहिए तुझे? मुझे जो चाहिए वो देने की औकात नहीं है तेरी, तो तेरी औकात का एक काम देता हूँ। बाहर एक स्पीड बोट है, उसमें विराज को बिठा और दरिया की सैर करवा, बाकी वहां समझाता हूँ। सिर्फ 8 मिनट बचे, अब बता क्या करना है। मार्केट में उड़ती उड़ती खबर आई है कि इंडिया वालों ने एक टॉप का ऑफिसर भेजा है इस केस के लिए। क्या उन्हीं से बात कर रहा हूं मैं? बोल कबीर। साला कम पगार में बहुत ज्यादा मेहनत करता है तू। तुझे एक अकाउंट नंबर SMS कर रहा हूँ, जरा अपने हाई प्रोफाइल कॉन्टेक्ट लगा के 500 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा दे। उससे क्या है मालूम है, डबल फायदा हो जाएगा, विराज भी बच जाएगा और तेरी पगार भी 600-700 रुपया बढ़ जाएगी। कबीर क्या हो रहा है वहाँ? तुमने वो फ्लाइट क्यों नहीं ली? मैम इट्स अबाउट विराज। प्लीज से वो जिंदा है। सिर्फ अगले 7 मिनट के लिए। उस पे बॉम्ब लगाए जिसे बंद करने का एक ही तरीका है। रैंसम क्या है? 500 करोड़ तो ऐसे मांग रहा है जैसे मम्मी से चॉकलेट का चिल्लर मांग रहा हूँ। अगर नहीं हो पा रहा है तो उड़ा देते विराज को। सब कुछ अरेंज हो गया है, तेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। उसको बोल बॉम्ब बंद कर दे, वरना इस स्पीड पे गेट ऑफ इंडिया पहुंच जाएंगे। जल्दी कर कबीर, मेरे पास बहुत टाइम है लेकिन बेचारे विराज के पास नहीं है। अब कहीं ऐसा ना हो कि तेरी वजह से हिंदुस्तान का सबसे फेवरेट बेटा शहीद हो जाए। Stop the boat! सिर्फ 3 मिनट बचे, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग कूद जाओ, get away guys! पहली बार हिंदुस्तानी सरकार ने अपना वादा निभाया। अब तू अपना वादा निभा और बॉम्ब बंद कर। पैसे आते ही बॉम्ब बंद हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है कबीर, कुछ तो कर सकते हैं। There has to be a way out. Good news for the fans, it's a batting wicket and we should expect a high scoring contest. Viraj Sharma hasn't been seen near the nets, so the big question is, will he play today's game or not? थैंक यू कबीर, तुझसे अच्छा दोस्त मैंने जिंदगी में नहीं पाया है कि 5 मिनट की दोस्ती में 500 करोड़ रुपए का कर्जा चुका दिया तूने मेरा। तू जानता है मेरे धंधे में एक ही चीज की इज्जत होती है, जबान की, और मैंने जबान दी है कि आज विराज खेलेगा नहीं तो वो बॉम्ब वो बंद नहीं हो पाएगा। विराज को बताना मत, बुरा लगेगा उसे। अफसोस कि हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, और उस जुनैद अंसारी से कहना आज से ब्रैडमैन उसका काटता हूं। क्या कहा उसने?
बोल कबीर। किस बात का डिले हो रहा है, अभी तक दोनों कप्तान बाहर टॉस के लिए भी नहीं गए। अब तक इंडियन टीम की प्लेइंग 11 भी डिसाइड नहीं हो पा रही। ऐसा लगता है कि विराट शर्मा की फिटनेस पे अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। जुनैद अंसारी की वजह से वी आर ऑल गोना लूज आवर जॉब्स। ये हमारे गलती है। I should have never recruited him. मैं कभी शेरगिल का फोन नहीं लग रहा। कॉल फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, द वर्ल्ड नीड्स टू नो। टॉस हो गया अभी भी। इंडिया बैटिंग, क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा। दुनिया भर के क्रिकेट लवर्स अपना दिल थाम के बैठे हैं। अतुल, ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। आफ्टर ऑल इट्स इंडिया वी पाकिस्तान। जाने दो बेटा, जाने दो, आज विराज नहीं खेलेगा। सॉरी। हेलो, यहाँ कोई बैटिंग नहीं होती है। यू गॉट द रॉन्ग नंबर। अंकल, अंकल, अंकल। क्या है? क्या कहा उसने? बोल कबीर। एक तरीका है। हैरी हुडिनी नाम का एक मैजिशियन था जो ऐसे जैकेट से निकलने का ट्रिक करता था। कैसे? अपना शोल्डर डिसलोकेट करके। सेमीफाइनल में तेरा कौन सा शोल्डर इंजर हुआ? राइट शोल्डर। सॉरी मैन। पहली बार किसी को मार मार के बचा रहा हूं। News for the Indian fans all over the world. Viraj Sharma fit hai aur India ke liye open karenge. Big relief for me as well and all of India because Viraj is India's biggest asset aur itne bade match mein Viraj ka khelna bahut zaruri tha. Aur pehli ball pe boundary maar kar Viraj Sharma ne apni intentions clear kar di hain. This guy is in lethal form. Mere maa baap bahut aam log hain. Unhone mujhse kabhi kuch nahi manga. सिवाय एक चीज के, कि मैं अपने देश से कभी गद्दारी ना करूं। ए, बैठ जाना, टिकट के मैंने भी पैसे दिए। हाथ मत लगा साले। जुनैद, अभी अभी एक सिविलियन ने इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारा सस्पेक्ट एक येलो एसयूवी में हमजा साइड की तरफ बढ़ रहा है। I think it's his timing that is so pure. And the way he's meeting the ball in the middle of the bat, that is so good to watch. जिस तरह से गेंद को खेलते हैं ऑफसाइड पे, ऑनसाइड पे, इनसे बचना मुश्किल है।
बॉडी लैंग्वेज रमीज बहुत जबरदस्त है क्योंकि जिस तरह से आए हैं अग्रेसिव फॉर्म में। गो गो गो। जिस तरह से बाउंड्री लगाई है लगता है कि अब रुकने वाले नहीं है। सैम, जब तक विराज क्रीज पे उठना मत, ये हमारी लकी पोजीशन है। I wonder if those cute cops found his phone and wallet. कबीर उसको बोल नीचे लेने के लिए। डाउन डाउन डाउन, लो लो लो। चुप। के भाई, इसको कितने साल की लगेगी? जुनैद, इसकी लग चुकी है। अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं इसे टपली मारना चाहता हूँ। टपली मारेगा तो छूट जाएगा ना? सॉरी, टपली कैंसिल। लात मारते हैं लात। आपकी मेरे से लंबी है, आप मारो। उतर के इसको पूरा डिसलोकेट करता हूँ। ये पायलट, साइड पे रोक, इसको तोड़ने का है। ये तू जानता है, 20 साल पहले बकरी ईद के दिन मेरे अम्मी और अबू लखनऊ के लिए निकले थे। उनकी फ्लाइट अभी तक पहुंची नहीं, और आज खुदा ने मुझे एक भाई दिया, वो भी सिर्फ 36 घंटे के लिए। मतलब तूने डिसाइड कर लिया है कि मेरी फ्लाइट भी नहीं पहुंचेगी? अरे नहीं यार, लेकिन आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ तो शायद किसी ने तुझसे नहीं कहा हो। आई मिस यू मैन। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ये कहने वाला हूँ। I'll miss you too. चल अब ज्यादा सेंटी मत हो, तेरे बॉडी पे जचती नहीं है। बंदा सीधा रब दा मैं, डिटो तेरे वर्गा मैं, एक बारी हद फड़ लाता, फिर कदी नहीं। अच्छा के अगर मेरी बहुत ज्यादा याद आए ना तो पक्के के अंदर मुंह घुसा कर तू रोना मत, जस्ट गिव मी अ कॉल ब्रो। तू भी, लेकिन अगर एक बार कट करूं तो बार बार फोन मत करना। वो देखो, हमारे डिपार्टमेंट के चाचा चौधरी आए। कबीर, तुमसे एक आखिरी काम, इसे इंडिया डिपोर्ट कर रहे हैं। कभी तो अच्छी खबर लाया करो सईद मियां। और तू कल आके अपना बैज और गन वापस ले जाना। कल मुश्किल है, परसों आता हूँ। ये बड़े कैसे बड़े थका देते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सईद। उम्मीद करता हूँ तुमसे फिर कभी मुलाकात ना हो। इशिका, अब से नाम बदलना बंद, काम बदल। और सुन, टाइसन बोल नहीं पाएगा लेकिन इंटरेस्टेड है। I'll think about it. अपना ख्याल रखना। मत पियो। वापस बीमार होना है? जुनैद ने बताया तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में। अभी अभी टेस्टिकल्स ठीक हुए हैं, थैंक गॉड, और तुम्हें लंग्स खराब करने हैं। और क्या क्या बताया जुनैद ने तुम्हें मेरे बारे में?
मैंने ज्यादा पूछा नहीं, खुद तुमसे पता करना चाहती हूँ। So, tell me. चार बोतल वोडका, काम मेरे रोज का, ना किसी ने देख। कुरैशी बोल रहा हूँ, हमारे पुराने नौकर ने भी देखी फोटो, कहने लगा सूट बड़ा कमाल का है लेकिन आदमी बिल्कुल पसंद नहीं आया। थैंक यू सर, बाय। एक मिनट, तुम्हारे फोन पे वीडियो कॉलिंग है? वीडियो पे भी मैं उतना ही बदसूरत लगता हूँ अंकल, ये देखो। सलाम। वालेकुम। मैं मुस्कान, मेरी सारी फैमिली ने आपकी फोटो देखी और मैं किसी को पसंद नहीं आया ना? सिवाय मेरे, क्या हम मिल सकते हैं? क्यों? बस आपको जानना चाहती हूँ। और अगर तुम मुझे पसंद नहीं आई तो? कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुस्कान, मैं इंडिया आ रहा हूं, काटना मत। मेरी मम्मी, तेरे अबू, मेरे डैडी, तेरी मौसी, मेरी खाला, तेरा ब्रदर, मेरा साला। इश्क में सारे इल्जाम है सच्चे, मैंने सोच लिए है जो नाम है अच्छे, 2 साल में होंगे तेरे बच्चे, मेरे बच्चे। जन मन आ, गले लग जा, जन मन आ, जन मन आ, गले लग जा, जन मन आ, आ, आ। तेरी शॉपिंग का सारा बोझ उठाऊंगा, डेली बच्चों को लेके स्कूल जाऊंगा, पर एनिवर्सरी को भूल जाऊंगा, कहो मंजूर ये भी किया 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 किया। हाँ, कहो कि छुट्टियां हर साल मिलेंगी, गिफ्ट हर हाल में कमाल मिलेगी, जो रुलाया तो जली डाल मिलेगी, कहो मंजूर ये भी किया 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 किया। आज के वादे फॉरएवर है पक्के, तेरे भी रादे बेबी नहीं कच्चे, 2 साल में होंगे तेरे बच्चे, मेरे बच्चे। जन मन आ, गले लग जा, जन मन आ, जन मन आ, जन मन आ, गले लग जा, जन मन आ, आ, आ। हर शाम तेरा वेट करूंगी, तुझे पिक्चर के लिए लेट करूंगी, इस तरह सारी उम्र डेट करूंगी, मेरी जाते है यही किया 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 किया। यारों की पार्टियों को छोड़ आऊंगा, मेरी हर एक्स का दिल तोड़ आऊंगा, तेरी कुर्ती के बटन जोड़ लाऊंगा, मेरी जाते मैंने भी किया 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 किया। एक तो बाकी अब काम है अच्छे, चल तू भी सोच ले जो नाम है अच्छे, 2 साल में होंगे तेरे बच्चे, मेरे बच्चे। जन मन आ, गले लग जा, जन मन आ, जन मन आ, जन मन आ, गले लग जा, जन मन आ।
कभी।